तो आज हम ना जसकोट जाने वाले हैं। 3-4 दिन की बारिश की वजह से गधना आ रखा होगा यहाँ पे, तो मेरी हो गई है बेइज्जती। अन्यों में रहते हैं और इधर वो बाल्टी यहाँ पे छोड़ दी, अल्लाह पता हो गया है। ये दोनों भाई हैं। अब डब्बा का खड़ी तो कह रही हूँ, और बांदर को बांदर भीतर आ जाएंगे। बांदर तो यहाँ से भी आ जाएंगे। चल गया ले ओको। क्या कर रही है ये कुकुट? बैठ गई। क्यों बैठी ऐसे और नखरे कर रही? देखना क्यों बैठी ऐसे, देख इधर देख। तो अब 3:30 बज चुके हैं और सोच रही हूँ आज की वीडियो की भी शुरुआत यहीं से कर लेती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घर में सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो 3-4 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज का मौसम कुछ अच्छा सा हो रखा है। मतलब बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है, पर अच्छा मौसम हो रखा है। पर वो जो सामने वो पहाड़ दिख रहे ना, वहाँ पूरी धुंध लगी हुई है। वो सामने चारों तरफ पहाड़ में धुंध लगी हुई है और आज हम सोच रहे हैं कि हम ना वो सामने वाले गांव में जाएं, इस गांव में जिसमें हरी हरी टीन दिख रही है, इस गांव में। तो आज हम ना जसकोट जाने वाले हैं। नमस्ते। तो सुजल ने कहा कि जसकोट गाँव चलते हैं हम, क्योंकि उन्हें रास्ता भी पता है। मैं अकेले अकेले जाने से, अब पता है बाघ से बात आई, इनके गाँव में भी बाघ लगा हुआ है ना सुजल? डर नहीं लगता तुझे? लगता है। अब तो नहीं होगी डर? अभी भी डर? हाँ। यहाँ पे इतना खुला घूम रहा है ना, अब वहाँ बैठा कितने बजे चल जाता घर के अंदर? 5 बजे सीधा अंदर। 5-6 बजे सीधा अंदर। और यहाँ तो ये अपना 8, ये तो 12 बजे तक यही नाश्ता रहेगा, कितने दिनों से इसमें जो पाबंदी लगी हुई थी ना। और यहाँ पे ना चारों तरफ से यहाँ पे बाढ़ कर रखी है ताकि गाय वगैरह न जाए। और देखना कल परसों जो आंधी आई थी ना, आंधी तूफान, उससे सारा मंडवा देखो नीचे गिर गया। ये देखो यहाँ पे से ये सारा गिर गया है पूरा। और वैसे हम जा तो रहे हैं, पर यह है ना 3-4 दिन की बारिश की वजह से गधना आ रखा होगा। अभी वहाँ पे पहुँच के ही पता चलेगा कि पानी कितना है। अगर पानी घुटनों से ऊपर रहा तो हम नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो जाके ही पता चलेगा कि कैसा कैसा सीन है। तो हम यहाँ पे नीचे ना मोड़ में पहुंच चुके हैं और पानी की आवाज ना यहीं तक आ रही है। तो आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है कि पानी तो होने वाला है, खतरनाक लग रहा है। हमको वापस आना पड़ेगा। क्या लगता है सुजल? वापस आना पड़ेगा। लक्की क्या लगता है? वापस नहीं आना। वापस नहीं आना पड़ेगा। लक्की के कंधे में बैठे जाएंगे फिर हम। हाजी नमस्ते। हाँ ठीक ठाक हो? नदी पार करके आ रहे हो क्या? कितनी कितनी आ रखी नदी? नदी कितनी आ रखी है? थोड़ी सी है। जसकोट वीडियो बनाने तो नदी आ रखी होगी तो पुल में जाना है ना। ओ थोड़े से आवाज रो ले वो खूब जा। अच्छा क्या चलो बाघ तो नहीं उधर है? बाघ बाघ चाह बाघ डाउन होते बाट उमरन बाघ। और यहाँ पे बॉर्डर भी आ रहे हैं। बॉर्डर राम राम। यहाँ पे तो मेरी हो गई है बेइज्जती। मैंने बॉर्डर को करा राम राम। मैंने सोचा बॉर्डर से ना थोड़ी बातें साते करेंगे, बॉर्डर चलेगा गुटका चबाते चबाते। मामी को भाव नहीं दिया। कोई बात नहीं। तो पहला गदना तो हमने पार कर लिया है, और गदना मतलब उतना नहीं था, ठीक ठाक था, घुटनों से नीचे ही था, इसलिए हमने पार कर लिया। और ये सामने एक गदना और है, अब इसको भी करते हैं पार। इन दोनों को देखना। वही पत्ता चुप कर रहे।
वैसे ना हम तो खैर वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना तो हम नदी पार कर सकते हैं। पर जिसका ना मार्केट इधर ही है, जैसे जसकोट वाले और पीपल डंग ये सब गांव वाले ना, ये आडवागल पूरा हमारे गांव कोटरी सैन में ये इनका मार्केट, तो इनको रोज नदी पार करके आनी पड़ती है। और वो वहां पर ना वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे, और देखो हाँ ये कर रहा है वो। इधर की साइड ना ये जो धान बो रखी है ना उसमें वो आ गई, क्या बालियां आ गई हैं, और अभी हमारे उधर कोटरी सैन की तरफ नहीं आई क्योंकि इधर के साइड वालों ने ना जल्दी लगा दी थी, तो इधर बालियां ऊपर आ गई हैं। एंट्री में पहुंच चुके हैं, यहाँ से शुरू होता है जसकोट गांव, तो चलते हैं ये गांव कैसा है देखते हैं। मैं भी पहली बार देखूंगी उसे, जिसने नहीं देखा अपनी वीडियो के माध्यम से आपको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना एक पीपल का पेड़ है, बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़, और वहाँ पे है ना शिव जी भगवान जी का मंदिर, तो पहले ना भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं फिर आगे गाँव के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे शिव जी भगवान जी, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। तो इधर से यहाँ से ना सभी के घर शुरू हो रहे हैं। वैसे तो इस टाइम ना लोग अपने अपनी छन्नियों में रहते हैं, और इधर वो है ना जैसे देखा मैं वीडियो बनाने आ रही हूँ वो सीधे घुस गए कमरे के अंदर। भाई साहब इतना खौफ था ना, बाघ का भी नहीं हो रखा कि बाघ से भी नहीं भाग रहे, बाघ को देखने के तो लोग बाहर निकल निकल के आ रहे हैं, और मेरा फोन देख रहे वो ना ऐसे भाग के अंदर, नो 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 वल मतलब इतना खौफ हो रखा भाई साहब यहाँ पर। अब देखते हैं इस गांव में कितने लोगों को खौफ है मुझसे। अरे पानी वाह बाल्टी यहाँ पे छोड़ दी, अल्लाह पता हो गया है यहाँ पे हमें मिली दादी जी। तो दादी जी यही रहते हो आप, ये खिरांद आप का खमचार घर हमारे घर भी में। अच्छा दादी तेल लगा दे, तेल तेल तो कौन कौन रहते हो घर में आप लोग, कौन कौन रहते हो घर में? तीन चार आदमी कद का परिवार छिने गया मां हाँ दस परिवार। अच्छा अरे हम तो कहे फोन सी चेच के पास सेट भी से अजर तुम ए तुम बस हजार फोन कर दो बस बाबा तेरा वो सर्च लाइक बाय लाइक दबा दिया। जसकोट गांव में भी ना यहाँ पे भी ना थोड़ा अंदर को है ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा ठंडा रहता है, तो यहाँ पे भी ना माल्टे के पेड़ खूब लगे हुए हैं। और इधर की साइड यहाँ पे तो घरों में ना ताले लग रखे हैं शायद वो, ओ अभी आजकल शायद यहाँ पे सुनसान हो रखा है। तो यहाँ पे दादी ने तो इतना बड़ा ताला लगा रखा है ये संगल बांध के है, मैं बोली तो संगल बांध रखा आपने। यहाँ पे मुझे दादी मिल गए, तो दादी से भी मिल के आते हैं। दादी मिल गया,
यहाँ मुझे ना गांव में मुझे कम से कम 4 साल हो गए हैं और दादी मुझे ना पहली बार देख रही है। अशोक कुमार। अच्छा अशोक कुमार। हाँ तो आप आते नहीं हो वहाँ? रोज तो रोज आते हो, तो आप नीचे नहीं आते हो ना, आप ऊपर ऊपर आते हो। तो मुर्रन है। हाँ तो दुकान मुर्रन है। हाँ ये क्या रची की ना? ये दोनों भाई हैं। दुई भाई थे। हाँ चीलों का चील दुई। हाँ दोनों। फिर नन के कौन है? मैं नन घर हम चे गास करना जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे सस्ते पैंट ठीक चे? अरे मैं सस्ते पैंट। अरे तेरा पोर्च में बिल बनाना ये बना वीडियो। हाँ ये कॉल सुना वीडियो बना। तुम छो तो आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? हाँ अकेले रहते हैं। बांदर तो यहाँ से भी आ जाएंगे। अरे तब जाओ बच्चे कहाँ फिर आपके? अरे बेटे मेरे ये लड़का ये बुआची काशीपुर की। मेरे बुआ में घर। मैं रुद्रपुर की हूँ। रुद्रपुर? हाँ काशीपुर से आगे पड़ता रुद्रपुर, वहाँ की हूँ मैं। अरे रुद्रपुर में कोर्स लिखा रहे लो होटल में। अच्छा कोर्स जरा ध्यान रखो अपना ध्यान रखो तब परहेज करो खाने पीने में। तो यहाँ पे ना दादी तो अकेले रहती हैं और दादी लोगों का एक घर ना इस साइड भी है तो वो भी पूरा बंद पड़ा है। किसी टाइम तो खूब रौनक रहती होगी इधर है। हाँ आते होंगे सब बच्चे बच्चे जब। हाँ ओ यहाँ पे देखो केले भी लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं फिलहाल, कुछ टाइम बाद ये भी पक जाएंगे। खूब लगा रखे हैं यहाँ पे केले के पेड़ भी। और इधर की साइड से जाए तो यहाँ से ना इस हाँ अगर इधर की साइड से जाएं तो इस गांव का यहाँ पे है पंदेरा और वो है सामने पंदेरा। तो ये है पंदेरा और यहाँ पे ये क्यों बना रखा है? कपड़े धोने के लिए होंगे। तो ये बीच में ऐसा ऊंचा सा क्यों रखा होगा? उसमें तो धोते होंगे। पता नहीं क्या है ये तो बना रखा। और यहाँ पे ना वो ऊपर की साइड ना पानी की डिग्गी भी बना रखी है। इधर तो सभी लोग अपनी अपनी बकरियां चरा के ला रहे हैं, वहाँ पे बकरियां भी आ गई और उधर से सभी की गायें आ रही हैं, बल्द वगैरह लेके आ रहे हैं सभी। अच्छा यहाँ पे हमें बुआ जी भी मिल गई हैं। और बुआ जी नमस्कार, ठीक हो? और कहाँ छन्नी से आ रहे हो? तो यही है आपका घर? अच्छा घास वगैरह ला रहे हो? अच्छा क्या काई के पत्ता हल्दी मसाला? हल्दी तो होता है, पान पत्ता क्या होता है? कौन सा पत्ता है पान पत्ता? तो यहाँ पे ना बुआ जी पान पत्ता कह रही थी, मैं कह रही पान पत्ता होता कौन सा भाई, मसाले का आज तक मैंने कोई पत्ता ही नहीं खाया है। तो ये ना तेज पत्ते का भी पेड़ लगा रखा है यहाँ पे, तो दो है ना ये दो। हाँ यहाँ पे तेज पत्ते का भी लगा रखा है। अब तो यहाँ आप अकेले रहते हो? ना ना अभी देखा मैं आई ना और छुप गए, वीडियो ना बना दे करके। अच्छा नाती रहते आपके साथ गाज? ओ तो अभी तो फिलहाल ना यहाँ पे कच्चा रास्ता हो रखा है, कुछ टाइम बाद बस यहाँ पे पक्का होने वाला है क्योंकि नीचे की साइड से ना जेसीबी अपना काम करती करती आ रही है। और मुछल गांव और दरगस क्या बोला था, मुछल गांव और हाँ अच्छा हाँ और मुछल गांव और दरगस्ती खाल तक ना पक्की रोड चली जाएगी कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे जी लोग छन्नी में आ रखे हैं सभी, दूध निकाल रहे हो? दूध निकालना है, दूध निकालना है। तो निकाल यार दूध। ये कुकड़ा छीने तुमने? अरे नहीं यार कुकड़ा कॉफी का गेन कुकड़ा सब के दी नहीं होने इन्हें होने मुर्गा खा ली ना ना बिरो नहीं खा। इधर की साइड ना
लोगों ने खेती थोड़ी कम कर रखी है, इसलिए थोड़ा ना बंजर थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे झाड़ झपोड़ झंकाड़ वंकाड़ थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी खेती कर एक तो बंदरों के आतंक से भी। और ना यहाँ पे देखो कितनी सारी ना चप्पलें इकट्ठा रखी हैं, क्योंकि सबके सब ना यहाँ अंदर छुप रखे हैं। चल गया ले ओ। तुम दोनों बहने हो? हाँ। है जुड़वाओ? नहीं। एक जैसे लग रहे हो। सामने आओ तो, यहाँ पे दोनों आओ, दोनों के दोनों आओ तो यहाँ पे। कब्र जाना, एक अंदर से बोल रहा है कि मैंने कब जाना है, अब मैं रात भर यहीं रहने की सोच रही हूँ। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, और इनकी बड़ी बहन ये भी है, वो भी उन सेम एक जैसे हैं। चारों भाई बहन। ये मेरा भाई है। है, क्या नाम है भाई का? हाय सूर्यांश। वह था सूर्यांशी, शकल तो इधर कर दो। वो कह रहा तुम मत देखो, मैं तो देख ही लेता हूँ। हाय सूर्यांश। हेलो। ओ भाई साहब, यहाँ तो लोग गुस्सा हो गए हैं। तो हम ना नदी की साइड से आए थे, जब हम जसकोट गांव में आए थे, पर अब हम ना सड़क ही सड़क जा रहे हैं, क्योंकि नदी के उधर से ना जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब शाम का टाइम भी हो गया है। यहाँ पे से ना पीछे मेरे पूरा कोटरीसन की मार्केट साफ साफ दिखाई दे रही है, यहाँ से बहुत अच्छी लग रही है देखने में। चलिए जी, आज की वीडियो को भी ना यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो और लाइक करो और बस।